हेलो हाँ कहाँ हो यार मेरा रास्ते में एक मिनट मामा एक मिनट रास्ते में हो मैं आ रही हूँ ठीक है ओके जी क्या कह रहे मेरा बेटी इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो मामा मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ इंतज़ार नहीं करना मेरा लेकिन बेटा तुम्हारा मेकअप गैर ज़रूरी और लिबास बहुत गैर मुनासिब लग रहा है ओ कम ऑन मामा क्या हो गया है तुम्हारे अब्बू गुस्सा होंगे कि उन्होंने इस होलिये में तुम्हें बाहर देख लिया तो कम ऑन मामा पुराने दौर से निकल आओ अभी बहुत एडवांस हो गया और ये फैशन है आपको नहीं पता और जब अब्बू देखेंगे तब की तब देखी जाएगी कौन क्या मुसीबत है अभी कौन आ गया देखो तो सही कौन है आ जाए अंदर आ जाए जी मैं ठीक आप कैसे हो शुक्र है खुदावंद का आप बैठे मैं चलती हूँ मीरब दो मिनट बैठो मीरब कहाँ जा रही हो मैं खुदावंद के कलाम के हवाले से आपसे बातचीत करना चाहती हूँ मैंने जरूरी काम से जाना है आप बैठे मामा के साथ मैं आपके चंद मिनट लूंगी आप बैठे मसीह में मेरी बहनों आप बहुत परेशान लग रही हैं बस मैं अपनी मीरब की वजह से बहुत परेशान हूँ क्यों ऐसा क्या किया है इसने वो इतना तैयार होकर बाहर जाती है और आपको पता है हमारा मुआशरा कैसा है और ये मेरी नहीं सुनती इसकी सोबते भी बहुत बुरी लड़कियों के साथ है और मैं चाहती हूँ इसकी दोस्ती उन लड़कियों के साथ हो जो चर्च जाती हूँ आप इसके साथ कलाम शेयर करें आप परेशान ना हो हम इसके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद ज़रूर इसकी ज़िंदगी में जी ज़रूर मसीह में मेरी बहनों खुदावंद ने हमें नूर कहा है और हमें दुनिया के सामने नूर की माने चमकना है हमारे किरदार से हमारे लिबास से दूसरों को पता चले कि हम खुदावंद यसू के लोग हैं आए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि उस हम खुदावंद के कलाम में से एक मसीही औरत होते हुए किन हुक्मों पर अमल करने की हमें ज़रूरत है मैं आपके लिए पढ़ूँगी पहला करंथियों उसका दो बाब और उसकी नौ और दस आयत इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को सवारें ना के बाल गूंधें और सोने और मोती और कीमती पोशाक से मीरब आप मेरी बात सुन रही हैं जी सुन रही हूँ मैं आप पढ़े आप दो मिनट मोबाइल को साइड पे रखें और मेरी बात ध्यान से सुने मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ूँगी इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को सवारें ना के बाल गूंधें और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है आमीन खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो खुदावन का शुक्र मेरी बहनों हमें दूसरों के सामने नमूना बनना है हम मसीही हैं हमारे किरदार से लिबास से इखलाक से पता चलना चाहिए कि हम मसीही ख्वातीन हैं और मीरब आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं आपको मेरे ख्याल में इस गैर ज़रूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं लेकिन आज के दौर का आपको पता क्या है आपको नहीं पता होगा आज का दौर व्हाट्सएप टिकटॉक है आज का दौर इतनी बड़े दुपट्टे और तीन गज की चादरें लेने का नहीं है मीरब तमीज से बोलो वो तुमसे बड़ी कह रही हूँ मैं ये आप ही का किया धरा है आते ही शुरू हो गई थी मेरी बेटी ऐसे करती है मेरी बेटी ऐसे करती है मैं बहुत लेट हो रही हूँ आप बैठे बहन आपने देखा ना मेरी बेटी के रवैये को बस इसके इस रवैये से मैं बहुत परेशान रहती हूँ तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप इसके लिए दुआ करें आए हम मीरब के लिए दुआ करते हैं पाक खुदावंद मीरब के साथ हो जब ये बाहर जाती है तो इसकी हिफाजत कर से हिकमत बख्श यसु के नाम से आमीन जब मीरब जो है अब अपने फ्रेंड के घर जा रही है तो अगला मंजर जो है एक गली का है इस पे गौर कीजिएगा जरा
लड़की चेक करो। यो मिनट सबर, अभी दिखा कहाँ है? ये है। ओ लड़की इधर तो आ। ओ तुझे कैसे पता है? उसका कपड़ा देखो। ओ भागो भागो। मीरब आओ, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। बैठो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलत थी। मुझे ऐसा लिबास पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था कि मैं किसी के लिए ठोकर का सबब बनूं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। कोई बात नहीं मीरब, खुदावंद ने आपकी खुद तरबियत की। ऊपर बैठे। मीरब तुम्हारा लिबास तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन हाँ, जिस खुदा को हम मानते हैं ना, वो हमारे लिबास की दुरुस्तगी चाहता है। वो कलाम जो नहायत अमीक और जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, वही फरमाता है कि इज़्ज़त और हुरमत उसकी पोशाक है और वो आइंदा आयाम पर हस्ती है। मीरब तुम्हें पता है, जब हमारा लिबास और हमारा किरदार हमारी इज़्ज़त और हुरमत का मुहाफिज़ होगा ना, तो हम इस ज़माने जहलियत पर हंसेंगे। और जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, तो वो खुद ही हमारी जान और इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। मीरब मैं आपको और आप सबको भी ये बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया और इसकी रंगीनियाँ सब झूठ हैं। सिर्फ सच और हक खुदा का कलाम है, क्योंकि लिखा है कि हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तूदा होगी। आमीन। थैंक यू।